नीतीश कुमार जी का दो ही काम है, तरीका छुरा भोंको और दूसरा तरीका है कि किसी और के कंधे से बंदूक चलाने का। गरीबों की चिंता ना करके अपनी जो भूख है सत्ता का भूख को मिटाना चाहती है, लोगों की भूख को नहीं मिटा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सादान खान। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से देश में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है, तो वहीं 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। लेकिन वहीं इसी कड़ी में बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए प्रदेश में JDU के साथ साथ शासन कर रही BJP सरकार ने इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी। कोरोना के समय में विपक्षी पार्टियों के चुनाव पर ध्यान न देने का फायदा BJP ने ही सबसे पहले उठाया है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री और पूर्व BJP प्रमुख अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की, जहां अमित शाह ने अपनी वर्चुअल रैली के जरिए राज्य के करीब 72,000 बूथों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की इस डिजिटल रैली को लेकर शुरू होने से पहले ही रैली का जमकर विरोध हुआ। दरअसल मुख्य विपक्षी दल RJD के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर इस रैली का विरोध किया। अगर जनता के हिस्से देखा जाए तो यह विरोध एक तरह से सही भी है, क्योंकि शायद इस थाली की आवाज़ से सरकार को होश आए और सरकार जाने कि जनता ने सरकार को इस देश की सत्ता किस लिए दी है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की जब मजदूरों और गरीबों की ज़रूरत थी तब सरकार काम नहीं आई, लेकिन वहीं चुनाव का समय पास आते ही सरकार सब कुछ भूलकर चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अगर आगे भी सरकार के हालात ऐसे ही रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को यहाँ भी झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह हार का सामना करना पड़े। साथ ही साथ BJP का दावा है कि उसने करीब 5 लाख पार्टी वर्कर YouTube, Facebook और नमो ऐप के लिए शाह का भाषण सुना। इस इवेंट को बिहार में चुनाव प्रचार की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि विपक्षी RJD और कांग्रेस ने इस जल्दबाजी के लिए BJP का घेराव किया। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अभी भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ये लड़ाई अभी हमें जीतनी है। इससे पहले ही BJP ने यहाँ इलेक्शन मोड में पहुँच रही है। इससे यही साफ होता है कि सरकार को कोई परवाह नहीं है कि लोग मरे या जिए, उन्हें सिर्फ चुनाव से मतलब है। तो वहीं अमित शाह की डिजिटल रैली को लेकर पटना में JDU की तरफ से कई सारे पोस्टर लगाए गए, जहां पर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जरिए तेजस्वी यादव पर हमला बोला गया। गौरतलब है कि बिहार में प्रवासी मजदूरों के लौटने के साथ ही कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 4,831 मामले आ चुके हैं। इनमें 2,500 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 29 लोगों की जान इस कोरोना वायरस की वजह से बिहार में जा चुकी है। तो वहीं अमित शाह की इस रैली को लेकर राघोपुर से विधायक और RJD के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मरें या जिएं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी का दो ही काम है, तरीका करने का, एक पीठ पे छुरा भोंको और दूसरा तरीका है कि किसी और के कंधे से बंदूक चलाने का। इस महामारी में लोग परेशान हैं और ये सरकार जो है, BJP के जो लोग हैं, उन गरीबों की चिंता ना करके अपनी जो भूख है सत्ता का भूख को मिटाना चाहती है, लोगों की भूख को नहीं मिटा दी। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो सरकार की रैली चाहे डिजिटल हो, लेकिन सरकार इस समय जो कर रही है वो सरासर गलत है। सरकार को चाहिए कि गरीबों मजदूरों की मदद करे, लेकिन सरकार इन सबसे परे हटकर अपनी गंदी राजनीति खेलने में लगी हुई है, जिससे यही साफ होता है कि सरकार को ना तो जनता और ना ही जनता की भावनाओं से कोई लेना देना है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है। कहीं इसका असर ये ना हो कि सरकार को अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी मुंह की खानी पड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।